मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं मफलर बताऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मफलर मैंने बुनना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें। और ये मैं एक नए टाइप का मफलर बता रही हूँ। जब ये जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगी। तो ये वाला डिज़ाइन फ्रेंड्स आपको मैं बता देती हूँ, आप देख लीजिए। तो ये यहाँ से फंदे डाले हैं मैंने, और फंदे डाल के मैंने स्टार्ट किया है। और ये कितना लेंथ बनाऊंगी, इसकी चौड़ाई कितनी है, कैसे करना है, ये सब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अभी मैंने इसको स्टार्ट ही किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने यहाँ से इसको बुनना शुरू किया है। तो अब मैं बुनूंगी। ये मेरे पास ऊन पड़ा था पुराना, तो ये ऊन एकदम मतलब नया पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने सोचा कि बहुत सारा है तो मफलर बुन लेती हूँ इससे। तो बड़े जेंट्स का मतलब सॉरी एडल्ट वुमेन का मैं बना रही हूँ, लड़कियाँ भी ले सकती हैं। मोस्टली टीनेजर लड़कियों के लिए मैं बना रही हूँ, जो मतलब कम एज की हैं, 20-25-30 तक की, वो सब ये वुमेंस भी ले सकती हैं। बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सुंदर बनेगा ये। तो आप इसको पूरा देखना, सारे पार्ट्स देखना इसके। तो अभी तो मैंने इतना ही बनाया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट इसका वीडियो बताऊँगी आपको। और इसका डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ। तो डिज़ाइन में देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अब जैसे ये है पहला, उसके बाद ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ये स्टार्टिंग लाइन से ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो सीधा है इसको आपको उठा लेना है, इसको बुनना नहीं है। उसके बाद फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और फिर एक जो आएगा सीधा, जो लाइन आपको दिख रही है छोटी सी, इसको आपको बुनना नहीं है, इसको आपको उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, और ये जो लाइन सीधी गई है इसको सिर्फ उठा लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर इसको उठा लेना है, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, और एक सीधा उठा लेना है बिना बुने, ठीक है। अब ये ऐसे पूरी लाइन बनेगी। ये लाइन के बनाने के बाद मैं उल्टी लाइन बनाती हूँ, बस दो लाइन की डिज़ाइन है ये, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई में आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जहाँ पर आपका ये पहला वाला तो फंदा उठा लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले साइड से सीधा बना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ से सीधा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे उल्टा बनाना है। यहाँ पे आपको गांठ दिख रही है ना, तो यहाँ पे आपको सीधा बनाना है, और जहाँ पे ये सीधा दिखता है वहाँ पे आपको उल्टा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, अब जब ये सीधी वाली लाइन आ गई, छोटी वाली लाइन, तो यहाँ पे आपको ये फंदा हमने उठाया था, तो यहाँ पे आपको उल्टा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से उल्टा बनाना है, फिर यहाँ पे एक गांठ आई है तो यहाँ पे सीधा बनाना है, फिर आपको उल्टा बनाना है, फिर आपकी ये चोटी उल्टा बनाना है, सॉरी ये चोटी वाली लाइन आ गई फिर से, तो यहाँ पे आपको उल्टा बनाना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दे रही हूँ, वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या है, जो ये वाला जो है ना फ्रेंड्स, जो इस साइड से मैं बता देती हूँ, जब आप उल्टा लाइन बनाओगे ना, तो ये जो तीन है ना बीच के जो ये तीन पड़ रहे हैं, इसको आप ये जो सीधा है ये और इसके साइड के दो, ये तीन आप उल्टे बनाओगे, और जो ये सेंटर वाला आ रहा है इसको सीधा बनाओगे उस साइड से, ठीक है। हमेशा ये जो तीन है इसको उल्टा बनाओगे, ये जो बीच वाला है इसको सीधा बनाओगे,
ये तीन है, इसको उल्टा बनाओगे। तो अभी मैं बना के दिखा देती हूँ, इस तरफ से मैं वैसे ही बुन रही हूँ, तब उस साइड देख के भी आप बना सकते हो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये बीच वाला, ये सीधी लाइन चल रही है छोटी वाली, और उसके दोनों बगल के लेके तीन उल्टा, ठीक है, एक दो और ये तीन। अब ये बीच वाला आ गया, इसको सीधा, फिर ये छोटी वाली आ गई जिसके दो साइड के लेके तीनों उल्टा, एक दो और तीन। अब ये बीच वाला आ गया, ये सीधा, फिर ये छोटी वाली लाइन आ गई इसके इधर वाला और इधर वाला लेके तीन उल्टा। तो इस तरह बनता जाएगा फ्रेंड्स ये। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी जल्दी बनता है ये। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। दो लाइन का डिज़ाइन है बस, फिर सीधी लाइन में फिर वैसे चलना है आपको। तो ये देखिए, अभी इसकी मैं लेंथ पूरी करके और फिर आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या करना है, नई चीज़ क्या जोड़नी है इसमें, ठीक है, ये आपको बताऊँगी। आप देखते रहना, इसके दो तीन पार्ट शायद बने इसके, तो आप देख लेना उसको। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट पार्ट पे, मैंने इसके बारे में बताया था आपको, लेकिन मैंने उसमें आपको मफलर बताया था। ये एक्चुअली मफलर नहीं, मैं नेक वार्मर बना रही हूँ। तो इसका मैं अब आपको डिस्क्राइब करूँगी। उस समय छोटा सा बना था, शायद इतना बना होगा। अब इसको मैंने पूरा बुन लिया है, ये देखिए। ये पूरा बन गया है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, दो टिच बटन लगे हैं और तीन ये शो बटन लगे हैं। अब इसको देखिए, इसकी चौड़ाई बन रही है। नाइन इंच बन रहा है फ्रेंड्स, और लेंथ इसकी है 27.5 इंच। ये 9 इंच है और टोटल स्टिचेस 63 है इसमें। और ये डिज़ाइन मैंने इसमें समझा दिया है आपको। तो अब इसको देखना है फ्रेंड्स, कैसे बनाया है इसको, क्या क्या करना है, कैसे पहनना है, ये दिखाती हूँ अभी आपको। तो बन गया है पूरा। तो इसमें कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उतना करके आपको ये लेंथ पूरा कर लेना है इसका। और उसके बाद जब आप इसको यहाँ बंद ख़त्म करोगे, उस समय मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना के और यहाँ पर तीन बटन होल बना लिए है, देखिए। तो ये बटन होल तो आपको आता ही होगा बनाना, ये मैंने अपने इसमें बता के भी रखा है अपने वीडियोस में। तो चाहे तो आप और बटन्स भी लगा सकते हो, मैंने तीन बटन लगाए हैं, ठीक है। अब ये हो गया फ्रेंड्स तैयार हमारा। अब इसको पहनने के लिए आपको कैसे फोल्ड करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है, आप इस तरह से लोगे और इस तरह से लोगे आप, ठीक है, ऐसे। ये देखो, ऐसे रखा और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रखा, इस तरह से रखा आपने ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गले में लिया और फिर इसको बटन लगा लिया, ये आपने बटन लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ लटकता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ दो टिच बटन लगा दिए हैं। तो ये दो टिच बटन यहाँ लगा लेते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो ये पूरा पैक हो गया, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा पैक हो गया। अब इस तरह से हो गया, जैसे कॉलर नहीं रहता फ्रेंड्स, उस तरह से हो गया ये, ठीक है। तो अब ये पहनने में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे पहन सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अगर इसको मोड़ना है तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऐसे कॉलर टाइप इसको मोड़ सकते हो, ऐसे, ठीक है। ऐसा, ऐसे, ठीक है,
इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया, इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा है, ये डबल है, यहाँ गर्म रहेगा ऐसा। एक तो ऐसे आप पहन सकते हो, या तो फिर जैसे इसको खोल लिया और आप गले में पहन रहे हो ना, तो वैसे भी इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेयर्स आ जाएंगे, ऐसे इस तरह से थोड़े से ऐसे लेयर्स आ जाएंगे बैठने के लिए, तो वो भी अच्छा लगेगा। वैसे ऐसे दिखेगा ये, देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। अब इसको आप बनाइएगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है ये, तो ये बना के आप देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद मैं और अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी, आप वीडियोस मेरे देखते रहिए। तो ये आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ये नेक वार्मर है, अभी ठंडियों में बहुत काम आएगा, आप इसको बनाइएगा। देखिए ये डबल आएगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो ये गर्म भी रहेगा। ये देखिए इस तरह से होगा ये, ठीक है। तो अब इसको ये पहनने में कैसा आएगा ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको बताया था मैं इसको पहनाना दिखा दूंगी, स्कार्फ को। तो ये देखिए ऐसे आपको इस तरह से आपको पहनाना है इसको, ऐसे आप ले लोगे, फिर यहाँ पहले आप बटन लगा लोगे। ये आपने बटन लगा लिया, इसके बाद यहाँ के जो दो टीच बटन लगाए मैंने वो भी लगा लेंगे, उसके बाद हम सेट कर लेंगे इसको। ये हो गया। अब इसको आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे भी आप रख सकते हो, यहाँ तक आपका गला पूरा गर्म रहेगा अगर आपको ऐसे रखना है तो, इस तरह से। या तो फिर दूसरा तरीका है कि इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लो, कॉलर टाइप का। ये दो तरीके हैं फ्रेंड्स, ऐसे एक ये तरीका है, देखिए ऐसे, ये एक और तरीका है दूसरा। इस तरीके से दो तरीके से आप इसको पहन सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बैक साइड से भी अच्छा आया हुआ है, पूरा यहाँ तक एकदम गर्म रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना नेक वार्मर तैयार हो गया। इसको आप ज़रूर बनाना, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।